नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसे हम कहते हैं कॉमनली नोन एज द ग्लिसरॉल, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था ग्लाइकॉल, इससे पहले हमारा डिस्कस था हमारा डायोज पर था, डायोज जिसमें क्या होता है टू होस्ट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो दिस टुडे आई एम एक्सप्लेन द ट्रायोज। ट्रायोज क्या होता है जिसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। इट इज ए ट्रायोज, द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री ओएच ग्रुप ऑफ ट्रायोज राइज द बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज विस्कोसिटी एंड मेक द अल्कोहल मोर स्वीट ग्लिसरॉल। इट इज डेजिनेटेड द प्रोपेन 1-3 ट्रायोल इन द आईपीसी नोमेनक्लेचर। क्या मतलब है कि ट्रायोल्स में तीन ओएच ग्रुप होते हैं, इसकी विस्कोसिटी ओएच के कारण और स्वीटनेस बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक ओएच ग्रुप बढ़ता है। इसको आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग 1-3 का मतलब हो गया प्रो, 1-3 का मतलब हो गया प्रो, तीन कार्बन हो गया ओएच है, पहले कार्बन पर भी, दूसरे कार्बन पर भी, तीसरे कार्बन पर, प्रोपेन 1-3 ट्रायोल, अर्थात इसका आईपीसी नेम क्या है 1-3 ट्रायोल इसका आईपीसी नेम है। ठीक, इट मे बी कंसिडर एज ए डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये एक तरह का प्रोपेन का डेरिवेटिव बना जाता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, प्रोपेन में ही तीन ओएच ग्रुप जुड़ा है, तो यानी कि इसका बैकबोन क्या है प्रोपेन, कार्बन की चेन है, प्रोपेन का डेरिवेटिव है। ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ थ्री हाइड्रोजन एटम, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने तीन हाइड्रोजन की पोजिशन पे क्या लगा दिया है ओएच ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक ओएच ग्रुप, दूसरा ओएच ग्रुप, तीसरा ओएच ग्रुप, अगर यहाँ पर एच होगा तो दिस इज द प्रोपेन, बट हमने ओएच ग्रुप लगा दिया तो इसे हम कहेंगे ट्रायोल के नाम से जानेंगे। डिफरेंट कार्बन एटम बाय थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप इन इंडस्ट्रियल इट इज नोन एज द ग्लिसरीन। इंडस्ट्रीज में इसका नाम ग्लिसरीन के नाम से, यानी कि मार्केट में ग्लिसरीन के नाम से मिलता है। इट अगर एज ए ग्लाइकोसाइड्स इट ऑलमोस्ट एनिमल्स एंड वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स। ये ज्यादातर एनिमल वेजिटेबल्स और फैट्स के रूप में पाया जाता है। बात ये उठती है कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम इसका प्रिपरेशन मेथड एक्सप्लेन करेंगे। ग्लिसरॉल कैन बी सिंथेसाइज बाय द फॉलोइंग डिफरेंट मेथड। इसको बनाने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में कई मेथड है, लेकिन मैं आपको वो इंपॉर्टेंट मेथड बता रही हूँ जो हमारा अक्सर एग्जामिनेशन में आता है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। दिस इज द कॉमन मेथड टू प्रिपेयर द ट्रायोज, यानी कि ग्लिसरीन, यानी कि ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट एंड ऑयल। मैंने आपको बोला दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, एनिमल वेजिटेबल फैट से में प्रेजेंट होता है। तो उससे ऑब्टेन कैसे होता है, उससे बाहर कैसे निकाला जाता है। देखिए, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल ग्लिसरॉल एंड हाईली फैटी एसिड। हाइड्रोलाइसिस करोगे किसकी, फैट एंड ऑयल, यानी कि हमारे एनिमल और प्लांट के वेजिटेबल ऑयल्स ऑफ फैट की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। तो एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स क्या होता है, एक तरह का ट्राइएस्टर होता है। ये क्या आपका ट्राइएस्टर, एस्टर है आपका, एस्टर ग्रुप क्या होता है हमें पता है, एस्टर का मतलब हो गया आर सी ओ ओ आर एस। एस्टर क्या होता है हमारा आर सी ओ ओ आर एस, सो दिस इज द आर सी ओ ओ आर एस। ये आपका हो गया आर ग्रुप हो गया, ये हो गया सी ओ, ये हो गया आर एस। तो आर सी ओ आर एस ग्रुप नोन एज द एस्टर ग्रुप, जिसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करी, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करी। तो जब हमने आर सी ओ आर एस हाइड्रोलाइसिस करी तो वाटर के साथ रिएक्शन करी, कितने वापस लिए, तीन हो, तीन वाटर, एक एच टू ओ, दो एच टू ओ, तीन एच टू ओ। तो देखिए रिएक्शन करना बता रही मैं आपको, हमें जो बनाना है वो बना लेते हैं। हमारा बन गया, ये देखिए हमने तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराई तो हमारा ये क्या हुआ, आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच और आर सी ओ ओ एच, यानी कि आर सी ओ एच, तीन आर सी ओ एच बाहर का दिए, बचा क्या सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच टू, और इधर एक ओएच, एक ओएच, एक ओएच, एक ओएच, दो ओएच, तीन ओएच, तीन ओएच यहाँ पे जुड़कर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ट्रायोज, यानी कि ग्लिसरीन, यानी कि ग्लिसरॉल की प्राप्ति हुई। और वैसे भी आप जानते हैं एस्टर, एस्टर क्या होता है आपको बता रखा मैंने, एस्टर आर सी ओ ओ आर डैश है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। तो एस्टर इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल एंड एसिड। एस्टर जो होता है एल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, तो दिस इज द एस्टर। हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हमें एक अल्कोहल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, एसिड। तो दिख रहा है आपको दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द एसिड, मेनली इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एसिड। तो दैट मीन हमें ये कॉमन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रोडक्शन के लिए हमें किसका डिकम्पोजिशन करना पड़ता है या किसके कॉम्बिनेशन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है। अब कभी हम एस्टर पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, हमेशा एस्टर की प्राप्ति होती है। ठीक, ये था आपका फर्स्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायोज। सेकंड मेथड है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंटेशन से।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ सुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड टू गिव्स गुड यील्ड ऑफ ग्लिसरॉल। इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। किसके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ सुगर, सुगर के फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमें किसके साथ किया जाता है, ईस्ट के साथ। हम इसमें ईस्ट के साथ सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, फर्मेंटेट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, पहले जो हमें मिल रहा है हम वो बना लेते हैं। हमें मिल रहा है CH2OH, 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 ठीक है, साथ में निकल रहा है CH3CHO और बाहर निकल रही है CO2 गैस, ठीक। फर्मेंटेशन के थ्रू वैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी गैस एलिमिनेट होती है, CO2 गैस एलिमिनेट होती है। तो बैलेंस ही देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन, छह कार्बन पूरे हो रहे हैं, छह कार्बन। हाइड्रोजन के 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 पूरे हो रहे हैं। ऑक्सीजन के 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए आपके, 6। तो हमें इसके थ्रू ट्राइवल्स और साथ में एसिटाल्डिहाइड, साथ में CO2 गैस एलिमिनेट होती है और हमारे किसकी प्राप्ति होती है, हमें क्या ऑप्टेन होता है, ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है, ठीक। ग्लिसरॉल के बारे में आपको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी मैं कि ग्लिसरॉल यानी कि हमारे जो ट्रायल्स है, ट्रायल्स में ये कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है और ये ग्रुप भी कौन सा होता है, प्राइमरी। कहने का मतलब है हम जब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, CH2OH, CHOH और CH2OH हम लिखते हैं, तो हम इसकी नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3 हम तीन कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 और 3, ठीक। और ऐसा माना जाता है कि दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन। कहने का मतलब पहला और तीसरा कार्बन सेम माना जाता है। कहने का मतलब नंबर यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए पहले कार्बन को हम किस नाम से नोट करता है, अल्फा कार्बन। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। कहने का मतलब पहला कार्बन और तीसरा कार्बन क्या होता है, सेम होता है। एंड बीच वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रुप, जिसे हम कौन से कार्बन के नाम से जाते हैं, बीटा कार्बन के नाम से जाते हैं। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, इन जनरली प्राइमरी OH ग्रुप आर द मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी OH ग्रुप इन द ग्लिसरॉल। हमारे जो ये ग्रुप है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला अल्कोहल और ये वाला OH ग्रुप होगा और बीच वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि हमारी जब रिएक्शन होगी किसी भी रिएक्टेंट के साथ फंक्शनल ग्रुप होगी तो या तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप वाला OH ग्रुप आएगा, ये वाला OH ग्रुप आएगा, यानी कि पहले नंबर का OH ग्रुप आएगा, थर्ड नंबर का OH ग्रुप आएगा, ठीक। तो दिस इज द मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये हमारे दो मेथड थे ग्लिसरॉल को प्रिपेयर करने के लिए और जनरल इन्फॉर्मेशन ग्लिसरॉल की, कि हम उसकी रिएक्शन को किस तरह से करेंगे, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी, हम उसकी रिएक्शन किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम ग्लिसरॉल, हमारा एक और मेथड था हमारा ग्लिसरॉल बनाने का, ये सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपीन के थ्रू भी हम ग्लिसरॉल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये वर्बली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता, हाउ यू प्रिपेयर द ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ प्रोपीन, या कैसे करूंगा, हाउ यू कन्वर्ट द ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ प्रोपीन, कन्वर्जन में आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपीन, यू नो दैट प्रोपीन इज, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका प्रोपीन, ये हमने लिखा था प्रोपीन, ठीक। प्रोपीन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर CH3CH CH CH और क्लोरीन के साथ हमने जो रिएक्शन कराई, तो हमने वो लगा था हमारा ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। हमारे अल्फा कार्बन पर हमारी क्या जुड़ जा रही है, क्लोरीन आके जुड़ी, यहाँ पर आपको क्लोरीन आके ऐड हो गई, ठीक। और बाहर क्या निकल गया, यहाँ पर से एच और HCl बाहर क्या निकल गया, HCl एलिमिनेट हो गया। देन इसको फर्दर ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH का ट्रीट करा तो हमें हमारा क्या निकला, NaCl बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकला, हमारा हमारा क्या आपके लग गया OH। बट मेरा अल्कोहल नहीं बना, हमारे पास अल्कोहल बनाने के लिए केवल फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप बना, तो दैट मीन्स हमने इसको फिर फर्दर ट्रीट करा दोबारा से किसके साथ, HOCl के साथ, हमने HOCl हाइपोक्लोरस क्लोराइड के साथ HOCl के साथ ट्रीट करा, तो हम इसके बाद हम इस डबल बॉन्ड वाली कंडीशन पर रिएक्शन करेंगे। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्कीन, ठीक, और एल्कीन में हमें मार्कोनी का रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट अटैच दोज कार्बन व्हिच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब HOCl में आपको पहले पता होना चाहिए कि HOCl में OH और Cl पर कैसा चार्ज होता है, तो OH पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इन हाइपोक्लोरस क्लोराइड में HOCl जो ब्रेक होता है OH प्लस और Cl माइनस, तो नेगेटिव पार्ट अटैच दोज कार्बन व्हिच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो OH ग्रुप वहां अटैच होगा, बी आर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां है, ये होगा क्लोरीन, यहां पर जुड़ गया और यहां पर आकर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। बट अभी भी हमारा ट्रायल्स नहीं बना है, हमारा Cl बीच में है, दो पोजीशन पर OH आ चुका है।
फर्दर इट शुड बी ट्रीटेड विद NaOH ग्रुप, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, बाहर क्या निकल गया, NaCl एलिमिनेट हो गया एंड वी गेट द ट्रायोल्स, हमें किसकी प्राप्ति होगी, ट्रायोल्स की प्राप्ति होगी। फिर से देखिए एक बार, ये आपका पहला कार्बन और बीटा अल्फा कार्बन है, ये आपका मैंने बीटा कार्बन साफ एक्सप्लेन कर रखा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इस अल्फा यहां पर से रिएक्ट करा और बाहर का निकल गया, HCl एलिमिनेट हो गया, हमें इस पोजीशन पर OH मिल गया। बट ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, हमारा केवल फर्स्ट पोजीशन पे OH आया, हमें लास्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे दोबारा लाना है, हमने इसे NaOH के साथ ट्रीट करा और हमने क्या निकाल दिया, NaCl को एलिमिनेट कर दिया, NaCl वहां निकल गया, OH जुड़ चुका। फिर हाइपोक्लोरस क्लोरस के रिएक्शन कराई, मार्कोनी का क्लोरीन रूल फॉलो करा, नेगेटिव पर अटैच दोज कार्बन व्हिच हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पर थे, यहां पर OH आके जुड़ गया, हमारे पहले कार्बन और लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप आ चुका है, हमने इसको NaOH के साथ ट्रीट कराया, NaCl निकल गया और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल गया, ग्लिसरॉल की प्राप्ति हो गई। और इस रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन में, प्लस बेसिक सेकंड ईयर ट्रायल से अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन फॉलो द ग्लिसरॉल, हमारे ग्लिसरॉल में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन फॉलो की जाती है, तो ग्लिसरॉल इज कंटेन टू प्राइमरी OH ग्रुप एंड वन सेकेंडरी OH ग्रुप, दैट इट शोन द कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो टाइप का है, ये दो टाइप का बिहेवियर शो करता है, प्राइमरी अल्कोहल का भी और कौन से सेकेंडरी अल्कोहल का भी बिहेवियर को शो करता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम करेंगे पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन, ऑनरी प्राइमरी एल्कोहल एल्कोहलिक ग्रुप आर अटैक वन बाय वन एंड सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप इज नॉट अटैक, सोडियम फॉर्म मोनो सोडियम ग्लिसराइड एट रूम टेम्परेचर एंड डाई सोडियम ग्लिसराइड एट हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एट ए रूम टेम्परेचर पर सोडियम के साथ। अब आपको याद होना चाहिए कि एल्कोहल, जब आपको मैंने चैप्टर बताया था, तो एल्कोहल में जो होता आर OH ग्रुप होता है, और आर OH जब ग्रुप ब्रेक होता है तो आर ओ माइनस और एच प्लस, दैट मीन्स दिस इज नोन एज द एल्कोक्साइड, इट रिलीज द इजीली एच प्लस आयन, ये आसानी से एच प्लस आयन को रिलीज करता है। आज भी वही बात फॉलो करी जाएगी, जब सोडियम के साथ ट्रीट करा है तो हमारा यहाँ से एच प्लस एलिमिनेट हो गया, एच प्लस आयन निकल गया और यहाँ पर आके सोडियम जुड़ गया, सोडियम एल्कोक्साइड प्रोड्यूस हो गया। बट सोडियम एल्कोक्साइड कौन से कार्बन पर जुड़ा है, केवल अल्फा यानी कि फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा है, और आपको मैंने बोला जब भी रिएक्शन होगी अल्फा पर होगी तो अल्फा डैश पर भी होगी, अल्फा डैश पर होगी तो अल्फा पर होगी, अगर एक बार बीटा पर ना हो चल जाए, लेकिन अल्फा पर दोनों पहली पोजीशन पर साथ सेम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो दैट मींस हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो हमारी यहां पर सोडियम अपन जुड़ा और नीचे की एज इट इज रही। कहने का मतलब है रूम टेंपरेचर पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है, तो हम इस रिएक्शन को और टेंपरेचर को बढ़ाएंगे, इस रिएक्शन को कंसीडर करने के लिए हमें टेंपरेचर और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टेंपरेचर हाई करना पड़ेगा, टेंपरेचर हाई करते ही इस पोजीशन से एच ग्रुप बाहर निकल गया और यहाँ पर आके क्या गया, सोडियम सॉल्ट आकर जुड़ गया और बाहर क्या निकल गया, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, सो वी गेट द डाई सोडियम ग्लिसराइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, हमें क्या मिलेगा, डाई सोडियम ग्लिसराइड प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ, और थ्री OH ग्रुप आर रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, PCl5 एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, जब PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो ऑलवेज एलिमिनेट क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा इन सब चीजों को, POCl3 और HCl, और अगर भूल गए हैं तो आप पुराने वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने अल्कोहल में प्रॉपर्टी बताई थी कि ऑलवेज PCl5 गिव्स द POCl3 एंड HCl, सो नाउ देयर इज PCl5, यहां पर क्या है PCl5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करा मैंने POCl3 बाहर का निकल गया, HCl POCl3 से मतलब है PO और 3 Cl, एक में देखिए नीचे वाले कुछ क्लियर हो जाएगी, पी और ओ और 3 Cl निकल गया, बचा क्या, एक 2 Cl बचा है, एक HCl निकल गया, ठीक हो गया, एक HCl निकल गया, बचा क्या, एक Cl, तो एक Cl यहाँ पर आके जुड़ा, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ा, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ा, कहने का मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि हमने CH3OH के साथ हमने रिएक्ट कराई, PCl5 की रिएक्शन कराई, तो दैट मींस हमेशा जो रूल है, रूल फॉलो करिए तो अपना रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, PCl3 और HCl बाहर निकलता है, तो POCl3 बाहर निकल गया, एक एच और एक सीएल बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सीएल बचा, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3Cl, यही चीज मैंने यही ये रूल फॉलो करा, मैंने जैसे ही OH ग्रुप देखा और PCl5 देखा तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने देखा कि POCl3 और HCl बाहर निकलेगा, तो POCl3 बाहर निकल गया, एक एच और एक सीएल बाहर निकल गया, बचा क्या, CH2Cl, CHCl, CH2Cl, इसका मतलब हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3, ये भी कितने हो गए 3, ये भी कितने हो गए 3, बैलेंस करके देखेगा सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन और सारे फास्फोरस क्या है, बैलेंस है, और हमें क्या मिल जाता है, POCl5 के साथ
ट्राइओल्स की रिएक्शन के थ्रू ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑब्टेन होते हैं। क्योंकि ग्लिसरॉल बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, तो एक ही दिन में सारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसको हम पार्ट 10 में पूरा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक रिएक्शन और बता रही हूँ इसमें HCl के साथ, पार्ट 10 में आपको इसकी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी जितनी भी हो सकती है, तो इसके बाद आप पार्ट 10 जरूर देखिएगा। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन जो मैं ले रही हूँ, दिस इज द लास्ट रिएक्शन, लास्ट नहीं है लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे आगे के एपिसोड में। रिएक्शन विद HCl और HBr यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन लगती है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगती है। कैसे देखिए, व्हेन HCl इज इन द प्रेजेंस ऑफ वन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद HCl इन द एट 110 डिग्री सेल्सियस बोथ अल्फा एंड बीटा ग्लिसरॉल मोनो हाइड्रोक्लोरो क्लोराइड्स आर फॉर्म इफ HCl इज पास्ड ऑन द सफिशिएंट टाइम ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रेट एंड ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रेट इन ऑब्टेन। जब हम इसको HCl के साथ 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 110, क्योंकि 260 पे अलग होती है और 110 पे अलग होती है, तो हमारी जब 110 पर हमने जब रिएक्शन कराई HCl की तो हमारे यहाँ से OH निकला और HCl निकल गया, बाहर क्या निकल गया वाटर, OH निकला, OH निकला क्या निकल गया H2 निकल गया और हमारा दिस इज द अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा डैश, हमारा अल्फा क्लोरोडाइक्लोरोहाइड्रिन अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन ऑक्टेन हुआ। फिर उसके बाद और साथ में क्या हुआ, अल्फा के साथ हमें क्या मिला, बीटा प्रोडक्ट भी मिला। लेकिन अल्फा के साथ फिर वही बात आ गई कि मैंने बोला जब अल्फा पर रिएक्शन होगी तो अल्फा डैश पर भी होगी, अल्फा डैश पर होगी तो अल्फा पे होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर अल्फा डैश पर रिएक्शन ही नहीं है। हम एक्सेस ऑफ HCl लेंगे यानी कि HCl के साथ जब नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन कराई गई तो हमारा प्रोडक्ट सही नहीं मिला, तो हमने एक्सेस ऑफ HCl, टेम्परेचर वही है, क्वांटिटी ज्यादा ले ली यानी कि HCl की क्वांटिटी ज्यादा डाल दी टेस्ट में। जैसी डाली तो अल्फा तो था ही हमारा, अल्फा तो था ही, साथ में क्या हुआ बीटा पोजीशन पर क्लोरीन आ गई और साथ में अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पर क्या हुआ डाइक्लोरोहाइड्रिन, डाइक्लोरोहाइड्रिन प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन विद HCl ऑफ ग्लिसरॉल, ये हमारी ग्लिसरॉल की रिएक्शन थी इसके साथ HCl या HBr के साथ। ठीक है, इसके आगे रिएक्शन और होंगी क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक हो गया था, तो मैंने आपको केवल 3 रिएक्शन एक्सप्लेन करी, इसके बाद की रिएक्शन पार्ट 10 में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।